उत्तराखंड के शिव मंदिरों में शिवरात्रि पर कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक। आज सितानगंज के आसपास क्षेत्रों में बने शिव मंदिरों में कांवड़ियों ने किया बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक। इस मौके पर मंदिरों में अधिकतर भीड़ देखी गई, साथ ही प्रसाद वितरण करने वालों का भी बड़ा उत्साह देखा गया। लाइनों में लगे भक्तों ने बताया कि हम हर शिवरात्रि यहाँ आते हैं और बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। प्राचीन मंदिर झाड़ू खंडेश्वर महादेव का कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक, साथ ही आरती की वहाँ। इस बीच सपेरों की लाइन भी देखी गई, जहाँ नागों ने दर्शन करा रहे थे। वहाँ उपस्थित महंत ने बताया कि मंदिर लगभग 138 साल पुराना है। यह अद्भुत शक्तियाँ देखने को मिलती है। यहाँ भक्तगण दूर दूर से आते हैं। झाड़ खंडेश्वर मंदिर में मंदिर जयकारों से गूंज रहा था। वहाँ तो टीचरों का एक समूह भजन कीर्तन करने में पीछे नहीं हट रहा था, पूरी भक्ति भावना में लीन थे। सितारगंज से अश्विनी दीक्षित की रिपोर्ट। भजन 7 बजे से सारे लोग सुंदरकांड कर रहे हैं और ये मेला पूर्ति वर्ष स्थान है। 2017 से राजकीय विद्यालय हमारे प्रधानाचार्य क्षेत्रीय राजकीय विद्यालय और ये विद्यालय के सारे शिक्षक सम्मान से ले रहे हैं और मैं यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं, सभी शिक्षक आते हैं और मूल उद्देश्य यहाँ आकर के मेला ये मेल मिलाप ये सहयोग प्रेम और स्वाद की भावना बढ़ाता है और मैं यहाँ म्यूजिक में अच्छे सुंदर से हारमोनियम बांसुरी बजाता हूँ। तो प्रेम की भावना बढ़ाने के लिए हमारे सारे शिक्षक समाज हम लोग सारे सरकार और जाति धर्म के लोग एक भाव लेकर धन्यवाद। यहाँ बहुत सारे लोग एकत्र, बहुत सारे भक्त आए हुए हैं, तो क्या ये हर वर्ष इसी तरीके से मेला लगता है? सोमवार को दिन होते हैं लोग। कितना पुराना मंदिर हो गया है? इसका कोई अंत नहीं है।